नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्टेट जीरो चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक ऑसम लेक्चर इस वंडरफुल सीरीज में, मध्य प्रदेश हिस्ट्री की लेक्चर सीरीज में। ये हमारा मध्य प्रदेश हिस्ट्री की लेक्चर सीरीज का 8th लेक्चर है दोस्तों। इससे पहले मैं 7 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। आज के लेक्चर में दोस्तों हम बात करेंगे जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी बात की थी, हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज ऑफ एमपी, मतलब जो हिस्टोरिकली कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज जो काफी इंपॉर्टेंट यानी काफी महत्वपूर्ण हिस्सा हैं आज के एमपी का। तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ 4 पर्सनैलिटीज देखी थी। अब उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए हम आगे कुछ और इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये जो लेक्चर है दोस्तों, ये प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए ही काफी इंपॉर्टेंट है और दोनों के ही जो भी एस्पेक्ट्स हैं दोनों को कवर करता है। ठीक है, तो इसे आप प्लीज अवॉइड ना करें और प्लीज डू वॉच इट सिंसियरली। ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस है दोस्तों, और इस सिलेबस का अभी हम लोग कौन सा वाला पोर्शन कवर कर रहे हैं? तो अभी हम लोग कवर कर रहे हैं दोस्तों हिस्ट्री ऑफ एमपी। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ एमपी, ठीक है, और ये प्रीलिम्स के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हिस्ट्री की लेक्चर सीरीज है इसमें टोटल मैं 9 लेक्चर अपलोड करूंगा। ये 9 लेक्चरों में से ये मेरा 8th लेक्चर है। इससे पहले मैं 7 लेक्चर अपलोड कर चुका हूं। ये जो 8th लेक्चर है वो पुराने लेक्चर के कंटिन्यूएशन में ही है। लास्ट लेक्चर में हमने राजा भोज, होशंग शाह जिनको अल्प खान के नाम से ज्यादा अच्छे से जाना जाता है, प्लस रानी दुर्गावती और बाज बहादुर के बारे में बात की थी। आज के लेक्चर में दोस्तों हम बात करेंगे देवी अहिल्या, रानी लक्ष्मी बाई, तांत्या टोपे, राव बख्तावर सिंह, सादत खान और तांत्या भील के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं देवी अहिल्या जी के बारे में। तो देवी अहिल्या जो हैं, इनका अगर हम पूरा नाम देखें तो है महारानी अहिल्याबाई होलकर, और ये है इनका पूरा लिविंग पीरियड 1725 से लेकर 1795 तक। ये एक होलकर क्वीन है। ठीक है, और जो होलकर क्लैन है वो मराठा से बिलोंग करता है। जैसे आपको पता होगा मराठा के अंदर बहुत सारे क्लैन्स आते हैं, जैसे भोसले हो गए, गायकवाड़ हो गए, फिर सिंधियाज हो गए, होलकर्स हो गए। तो जो होलकर क्लैन है ये उसकी महारानी थी। ठीक है, तो मराठा, जैसे कि आप जानते हो, मैंने पुराने लेक्चर में बताया, मराठा ने मालवा को रूल किया हुआ है। ठीक है, इनिशिएट ऑफ मेडिवल पीरियड में मराठास ने रूल किया है मालवा पीरियड को। ठीक है, शी वॉज बॉर्न, अब इनकी जो जन्म हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? चोंडी विलेज में, जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र का उस टाइम पे ये पार्ट हुआ करता था। ठीक है, तो चोंडी विलेज में इनका जन्म हुआ था। इनके फादर का नाम था मानको जी सिंधे, याद रखना मानको जी सिंधे। और जो मानको जी सिंधे या जो इनका खानदान है वो धंगर कम्युनिटी को बिलोंग करता था, धंगर कम्युनिटी को। ठीक है, उसके अलावा अगर और भी इनकी लाइफ से रिलेटेड एस्पेक्ट देखे जाए तो इनको घर में ही पढ़ाया गया, प्लस इन्हें काफी हम्बल लाइफ जी है। ठीक है, और उसके अलावा इनकी जब डेस्टिनी तब जाकर चेंज हुई, जब इनका मतलब कब चेंज हुई, जब ये मालवा की रूलर बनी 18वीं सेंचुरी में। तो अब आगे देखते हैं इनके बारे में। जैसे कि मैंने बताया कि ये इनकी जो फादर थे वो धनगर फैमिली से बिलोंग करते थे, तो प्लीज याद रखना धनगर फैमिली से बिलोंग करते थे। प्लस अहमदनगर है कहाँ पे, तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो अहमदनगर यहाँ पे बिलोंग करता है। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है वो आपका अहमदनगर वाला पोर्शन हो जाता है। अब आगे चलते हैं। आगे कुछ ऐसा है कि मल्हार राव होलकर जी जो थे, जो कि पेशवा बाजीराव की आर्मी में, ये पेशवा बाजीराव वो वाले पेशवा बाजीराव नहीं है जो आपने मूवी देखी है ना, पद्मावती बोल रहा हूं मैं, कौन सी आई थी एक, बाजीराव मस्तानी, उसमें जो बाजीराव है वो है बाजीराव 1, लेकिन फिर उनके जो ग्रैंडसन थे उनका नाम, उनकी आर्मी जो थी उसमें मल्हार राव होलकर करके एक बंदे थे जो अहिल्या देवी की जो सिंप्लिसिटी है उसको देख के काफी खुश हुए थे। ठीक है, और इसीलिए उन्होंने अपने बेटे खांडेराव से इनकी शादी करवाई थी। ठीक है, तो इनके पति का नाम क्या है? देवी अहिल्या के पति का नाम है खांडेराव, जो कि सन है मल्हार राव होलकर के। मल्हार राव होलकर के बारे में वैसे एक स्पेशल बात ये बोली जाती है कि इन्होंने होलकर डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया था एक तौर पे। ठीक है, तो ये अब बन गई थी मराठा क्लैन की एक डॉटर इन लॉ। ठीक है, 1754 में क्या हुआ, खांडेराव जो थे उनकी हो गई डेथ इस बैटल में, बैटल ऑफ कुम्हेर में। ठीक है, तो एक बात तो याद रखना, बैटल ऑफ कुम्हेर कब हुआ था? 1754 में। ठीक है, तो उसमें खांडेराव की डेथ हो गई। अहिल्याबाई जो है वो धीरे धीरे करके एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री अफेयर जो होते हैं ना, राज शासन के, उनमें इंटरेस्ट लेने लगी, और इसके पीछे हाथ किसका था? उनके फादर इन लॉ का, जो मल्हार राव होलकर हैं। ठीक है, तो उनकी एक तरीके से उनकी परवरिश या उनकी जो गाइडेंस थी, उनकी मेंटरशिप थी, उसको देखते देखते वो सीखती गई। फिर 12 साल बाद क्या हुआ, मल्हार राव होलकर की डेथ हो गई। अब जब मल्हार राव होलकर, जैसे कि मैंने आपको बताया मल्हार राव होलकर ये है, ठीक है, याद रखना, बैटल ऑफ कुमेर याद रखना। तो जब मल्हार राव होलकर की डेथ हो गई तो फिर जो अहिल्याबाई होलकर थी उन्होंने राज की जो सत्ता थी वो अपने हाथ में ली और वो मालवा किंगडम की क्वीन बन गई, रानी बन गई, महारानी बन गई, ठीक है। उन्होंने सबसे पहला काम किया तुक्काजी होलकर को मिलिट्री का हेड बनाया नया, ठीक है। उसके बाद जो पीरियड आया उसमें क्या देखा गया कि जो अहिल्या देवी थी वो एक बहुत वॉरियर के तौर पर राइज की, प्लस उन्होंने खुद उन्होंने बहुत सारी आर्मीज को लेड किया, अपने जो किंगडम है उसको प्रोटेक्ट किया मुस्लिम इन्वेडर से, प्लस गोंड्स और भील से भी उन्होंने अपने किंगडम को सेव किया। तो यहाँ पे ये भील ट्राइब देख सकते हो और गोंड ट्राइब देख सकते हो, तो इन दोनों से भी अहिल्या भाई ने अपने किंगडम को, अपने राज शासन को बचाया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो अहिल्याबाई के बारे में और कुछ बोला जाता है, ये इनको एक ग्रेट बिल्डर, जो मतलब बड़ी बड़ी चीजें बनाता है, तो ये ग्रेट बिल्डर के तौर पे भी जानी जाती हैं कि इन्होंने सबसे पहला काम किया अपनी कैपिटल को महेश्वर शिफ्ट किया, ठीक है। महेश्वर जो है वो नर्मदा नदी के तट पे है और इन्होंने फिर दूसरा काम क्या किया, इन्होंने वहां पे अहिल्या फोर्ट बनाया। ये आप अहिल्या फोर्ट देख सकते हो, ये नर्मदा नदी है और ये महेश्वर है, ठीक है। उसके अलावा जो महेश्वर है वो कुछ चीजों के लिए फेमस है, वो चीज क्या है, वो इंडस्ट्रियल कैपिटल मानी जाती है, और वो भी किस चीज के लिए, सॉरी एक मिनट पीछे चलते हैं, इंडस्ट्रियल कैपिटल मानी जाती है स्पेशली टेक्सटाइल सेक्टर के लिए। किसके लिए, टेक्सटाइल, जो कपड़ों का काम होता है उसको बोलते हैं टेक्सटाइल सेक्टर। प्लस उन्होंने कुछ ऐसी जगहों को डेवलप किया जो कि आज के टाइम पे आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर की डेस्टिनेशंस हैं। इन्होंने मोरपंथ नाम के एक मराठी पोएट और स्कॉलर हुआ करते थे, उनको आर्थिक सहायता यानी पैट्रोनेज भी दी, इनको, मोरपंथ को। उसके अलावा रानी ने जो पब्लिक मनी था, जो मतलब टैक्स पेयर का मनी था, वो किसमें खर्च किया, फोर्ट बनाने में, टेंपल बनाने में, धर्मशाला में। तो एक तरीके से इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि शी वाज अ ग्रेट बिल्डर, क्योंकि उन्होंने एक तो कैपिटल, फिर अहिल्या फोर्ट, फिर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाया, प्लस पैट्रोनेज भी दी, उसके अलावा और भी छोटे छोटे काम किए। अब आगे चलते हैं, देवी अहिल्या जो थी वो, उनका जो रीन है वो काफी ग्लोरियस था और उनकी डेथ हुई 1795 में, 1795 याद रखना, 1795 में उनकी डेथ हुई। और जो उनका किंगडम था उसको काफी प्रॉस्पेरिटी मिली, मतलब प्रॉस्पेरिटी यानी बहुत ज्यादा प्रोत्साहन और बहुत आगे बढ़ा उनका किंगडम, और इसके बदले में उन्हें काफी प्यार और क्या कहते हैं रिस्पेक्ट मिलती थी अपने सब्जेक्ट, जो उनके नीचे जो उनके काम मतलब लोग थे ना, जो रहते थे उनके किंगडम में, वो काफी प्यार करते थे, ठीक है। अब इन्हीं के कंट्रीब्यूशन और इनकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने एक स्टैंप रिलीज किया, ये डेट तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है पर इतना याद रखना कि स्टैंप रिलीज किया था। उसके अलावा जो इंदौर का एयरपोर्ट है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट, उसका नाम देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट रखा गया, प्लस इंदौर की जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय भी रखा गया। तो एक तो ये आप स्टैंप से याद रखना, इनके लिए स्टैंप रिलीज किया गया, प्लस ये एयरपोर्ट का फोटो है तो एयरपोर्ट से याद रखना कि इसका नाम देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट बनाया गया, प्लस ये विश्वविद्यालय। ये तीनों चीजें कहां पे हैं, इंदौर में है, ठीक है। चलो अब आगे चल लेते हैं, अब आते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो है रानी लक्ष्मीबाई, इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात तो डाउट ये आएगा कि रानी लक्ष्मीबाई जो है वो झांसी की रानी है तो यहाँ एमपी में क्यों पढ़ा रहे हो, इसलिए एमपी में पढ़ाया जा रहा है। पहली बात तो बहुत सारी चीजें हैं जो इनको एमपी से जोड़ती है, वो हम एक एक करके अभी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात, भले ये झांसी की रानी थी, क्यों है झांसी की रानी, क्योंकि इनकी जो शादी थी वो झांसी के एक राजा से हो गई थी इसीलिए, पर लेकिन जो झांसी है उसको फाउंड किसने किया था, मराठास ने फाउंड किया था, ठीक है, मराठास ने फाउंड किया था, इसीलिए एक तरीके से झांसी को पार्ट माना जाता है। लेकिन अब मॉडर्न डे की बात की जाए तो झांसी इज अ पार्ट ऑफ यूपी, ठीक है। तो उस टाइम पे जो ये झांसी है वो ग्वालियर का भी पार्ट था। अब ये जो है जो रानी है वो मराठा रूल झांसी स्टेट था उस टाइम पे, और ये नॉर्थ सेंट्रल पार्ट में पड़ता है, ठीक है। ये इनका जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, जो इनकी बहुत वीर गाथा को गाया जाता है, वो इसलिए गाया जाता है क्योंकि इन्होंने 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला जाता है, इन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया था और इन्होंने बहुत करेजियसली और ब्रेवली पार्टिसिपेट किया था उसमें। लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ, 1828 में हुआ, ठीक है, और कहाँ पे हुआ, वाराणसी में हुआ, एक मराठी ब्राह्मण फैमिली में हुआ। जब इनका जन्म हुआ था उस टाइम पे इनका नाम रखा गया मणिकर्णिका, तो याद रखना मणिकर्णिका इज हु, इट इज रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। उसके अलावा इनका एक निकनेम था जिनका जो नाम था मनु, ठीक है। इनके फादर का नाम था मोरपंथ तांबे, मोरपंथ तांबे, ठीक है। तो जैसे इनके लिए एक कहानी बोली जाती है कि चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, तो ये वही वाली रानी लक्ष्मीबाई है, ठीक है। उसके अलावा पिक्टोरियली आप और भी याद रखना कि इन्होंने इंडियन जो रेविलियन हुआ था 1857 का, उसमें पार्टिसिपेट किया था। उसके अलावा आप ये याद रखना, इनका बचपन का नाम मनु है, ठीक है। और ये जो मैंने आपको अभी बताया कि मोरपंथ तामे जो इनके फादर थे वो चिमनाजी आपा, जो कि आपने मूवी देखी होगी उसमें वो रिटेनर थे एक तरीके से, ठीक है। बाजीराव सेकंड के जो भाई हैं चिमनाजी आपा, उनके रिटेनर थे, ठीक है। अब जो पेशवा बाजीराव थे वो रानी झांसी जो लक्ष्मीबाई हैं उनको बोलते थे छाबली। ये आप छाबली से याद रखना, इनका एक और नाम है छाबली, जिसका मतलब होता है प्लेफुल, ठीक है। इनकी जो पढ़ाई लिखाई हुई वो घर पे ही हुई थी, प्लस उसके अलावा इन्होंने शूटिंग, हॉर्समैनशिप और फेंसिंग में भी बहुत ये कला सीखी थी। उसके अलावा जो इनके फादर थे उन्होंने इनको इनकी जो अपब्रिंगिंग की थी, जो इनको बड़ा किया था, वो अनकन्वेंशनल मैनर में किया था। उस टाइम पे पहले माना जाता था लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाना चाहिए, लड़कियों के घर के काम करने चाहिए, पर इनके फादर ने ऐसी कोई बात नहीं मानी। जब ये बड़ी हो रही थी तो ये बड़ी हुई नाना साहेब और तान्या टोपे के साथ, ठीक है, जो इनके बहुत अच्छे पार्टिसिपेंट भी बने फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस में। अब जो मणिकर्णिका यानी जो झांसी की रानी है, इनकी शादी हुई महाराजा से, झांसी के महाराजा से, जिनका नाम था राजा गंगाधर राव नेवालकर, ठीक है, राजा गंगाधर राव नेवालकर, ठीक है। उसके बाद इनका नाम पड़ा गया लक्ष्मीबाई। इनने एक लड़के को जन्म दिया जिसका नाम था दामोदर राव, ठीक है। दामोदर राव की लेकिन जो डेथ है वो 4 महीने में ही हो गई थी। तो फिर जो झांसी के महाराजा हैं जिनका नाम है गंगाधर राव, इन्होंने एक लड़के को एडॉप्ट किया जिसका नाम था आनंद राव। आनंद राव इनके कजिन का बेटा था, ठीक है, कजिन का बेटा था जिसको इन्होंने एडॉप्ट किया और उसका नाम दोबारा रख दिया दामोदर राव। तो याद रखना दामोदर राव छाबली यानी लक्ष्मीबाई के बेटा कौन सा बेटा, एडॉप्टेड बेटे का नाम है, प्लस एडॉप्टेड के साथ साथ उनके जो रियल बेटा है उसका भी नाम दामोदर राव ही था। रियल बेटा उनका मर गया था तो जो वहां के महाराजा थे उन्होंने अपने कजिन का बेटे को एडॉप्ट किया और उसका नाम दामोदर राव रखा। उसका ओरिजिनल नाम था आनंद राव। याद रखना ये सारी चीजें, ठीक है, क्योंकि हम पर्सनैलिटीज के बारे में पढ़ रहे हैं तो हर पर्सन इंपॉर्टेंट हो जाता है इस लेक्चर के लिहाज से। अब आगे चलते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो लक्ष्मीबाई हैं उनके जो एक्टिव पार्टिसिपेंट थे वो कौन थे, तान्या टोपे और उसके अलावा नाना साहेब। उसके अलावा मैंने आपको बताया महाराजा गंगाधर राव जिनके साथ जो झांसी की रानी है जिनकी शादी हुई थी, तो वो याद रखना, इनके पति का नाम है गंगाधर राव। अब आगे चलते हैं, जो रानी लक्ष्मीबाई है, अब क्या हुआ कि जो महाराजा थे उनकी तो डेथ हो गई 1853 में और दामोदर राव काफी छोटा था और एडॉप्टेड भी था, ठीक है। अब लेकिन ये एडॉप्टेड सन था तो क्या हुआ, उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स थे जो इंडिया पे रूल कर रहे थे वो एक पॉलिसी लेके आए। उस डॉक्ट्रिन का नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये कौन लेके आया था, उस टाइम के जो हमारे क्या कहते हैं गवर्नर जनरल हैं डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, तो इन्होंने ये पॉलिसी लेके आए थे। इन्होंने क्या कहा कि अगर कोई भी राजा महाराजा किसी भी बच्चे को एडॉप्ट करता है तो उसे हेरिडिटरी राइट नहीं है कि वो सक्सेशन है ना, कि मैं राजा का बेटा हूं तो राजा ही बनूंगा, तो बाय हेरिडिटी वो राजा नहीं बन सकता, और अगर बनना भी है तो उसके लिए क्या कहते हैं अंग्रेजों की परमिशन लेनी होगी। तो इसीलिए अब इनका बच्चा एडॉप्टेड था तो उन्होंने इनको अलाउ नहीं किया, उन्होंने मना कर दिया कि जो दामोदर राव है वो अब यहाँ का राजा बनेगा। और उन्होंने क्या किया, लक्ष्मीबाई को एनुअल पेंशन देने लगे और उनसे बोल दिया कि जो भाई तुम्हारा किला है या जो तुम्हारा महल है उसे छोड़ के चले जाओ, ठीक है। अब तुम जानती हो, अब ये बात तो भाई उनको यानी वो नहीं होगी, क्या कहते हैं, एक्सेप्ट नहीं होगी, ठीक है। लेकिन चलिए अब आगे चलने से पहले मैं ये जो कहानी चल रही है उसमें आगे चलने से पहले ये बता दूं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत बहुत सारे किंगडम को एनेक्स किया गया। सबसे पहले 17 को किया गया, फिर संबलपुर को किया गया, उदयपुर को किया गया, नागपुर को और 1854 में झांसी को, उसके बाद अवध को, ठीक है। तो याद रखना डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू इनको किया गया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है मैं बता चुका हूं। ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, डलहौजी ने। डलहौजी गवर्नर जनरल थे जो 1848 से 1856 तक के टाइम तक गवर्नर जनरल रहे, ठीक है। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड गवर्नर जनरल, वैसे मैं आपको बता दूं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। उसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के जो बेटे हैं दामोदर राव, उनका जो भी क्लेम था कि मैं राजा बनूंगा उसको मना कर दिया। रानी को पेंशन देने लगे 60,000 की, और जो क्या कहते हैं उनका जो किला है यानी जो फोर्ट है प्लस जो उनका महल है, पैलेस है, उसको खाली करने के लिए बोल दिया। अब ये बात तो उन्हें गवारा नहीं होगी। तो फिर क्या हुआ, 1857 में जब रिवोल्ट हुआ तो रानी ने क्या किया, झांसी की एडमिनिस्ट्रेशन, झांसी की सत्ता अपने हाथ में ली और उन्होंने ये सोचा कि मैं अब लड़ाई करूंगी, मैं फाइट करूंगी अपनी इंडिपेंडेंस के लिए। और उन्होंने झांसी को डिफेंड किया ब्रिटिश ट्रूप्स के खिलाफ, ठीक है, जो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स थे उसको लेड कर रहे थे सर ह्यूज रॉस, ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ये सर ह्यूज रॉड्स का फोटो है। आपको अगर याद करने में दिक्कत हो तो याद रखना, रोज कोई इंसान, कोई एक ब्रिटिशर था जो रोज लेके आया किसके पास, रानी झांसी के पास, ठीक है, तो रोज से याद रखना, ठीक है। अब रोज के खिलाफ उन्होंने लड़ाई की। ये जो स्ट्रगल है वो दो हफ्तों तक चलता रहा। जब ये स्ट्रगल चल रहा था इसमें इनकी मदद की तान्या टोपे ने, और उन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने तान्या टोपे की फोर्सेस को हरा दिया और झांसी फाइनली जीत लिया ब्रिटिशर्स ने। अब रानी ने क्या किया, जब वो हार गई थी ये बैटल, तो किसी ना किसी तरीके से वो भाग गई झांसी से। और कैसे भागी थी, उन्होंने एक आदमी का भेष ले लिया था, ठीक है, दामोदर राव को लेके वो भाग गई। और वो भागी जिस घोड़े पे थी उस घोड़े का नाम है बादल। तो याद रखना बादल किसका घोड़ा है, लक्ष्मीबाई का घोड़ा है। और वो क्या कहते हैं, जब भाग रही थी तो उनका घोड़ा मर गया था। तो याद रखना ये जो उनका घोड़ा है उसका नाम है बादल। कैसे याद रखोगे, बादल मूवी से याद रखने लगा। अब आगे चलते हैं। अब उसके बाद जब वो भागी तो उन्होंने कहां पे स्टे लिया, उन्होंने स्टे लिया कल्पी में। कल्पी नाम की एक जगह है, आप यहां पे देख सकते हो। ये जो कल्पी है वो बर्थ प्लेस है किसकी, वेद व्यास की, ठीक है। ब्रिटिश के जो फोर्सेस थी उन्होंने अटैक कर दिया कल्पी के भी ऊपर, ठीक है। और जो रानी थी, रानी इंडियन फोर्सेस को लीड कर रही थी, पर वो हार गई। वो एक बार फिर से भागी वहां से। अब वो भाग के कहां पहुंची, ग्वालियर में, इस कोशिश से कि अगर वो ग्वालियर पहुंच जाती है तो ग्वालियर का फोर्ट वो जीत लेंगी, जो काफी स्ट्रेटेजिक है, जो काफी बहुत ज्यादा इम्प्रेग्नेबल है, जिसको जीता नहीं जा सकता। लेकिन जो ब्रिटिश फोर्सेस थी उन्होंने क्या किया, वो ग्वालियर पहुंचे और उन्होंने रानी को हरा दिया और रानी वहीं पे मर गई थी। तो इसी के बाद ह्यूज रॉस ने बोला कि रानी लक्ष्मीबाई वाज द ओनली मैन अमंग द रेबल्स, मतलब जितने भी लड़ाकू हैं, जितने भी लड़ रहे हैं, उनमें सिर्फ और सिर्फ इकलौती रानी लक्ष्मीबाई हैं जो मर्द हैं। और रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर एक जो पोएट हैं, कह लो या कवि हैं, जिन्होंने एक पोयम लिखी है, उनका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान, जो कि काफी फेमस हुई है, ठीक है। उसके अलावा जो क्वीन ऑफ झांसी एक और किताब है या जो एक और बुक है, वो किसने लिखी है, महाश्वेता देवी। ये महाश्वेता देवी का आप फोटो देख सकते हो। इन्होंने ये बुक लिखी थी बंगाली में, किसके लिए, रानी लक्ष्मीबाई के लिए, ठीक है। और बाकी जो सुभद्रा कुमारी चौहान ने जो कहानी लिखी थी, वो जो पोयम लिखी थी वो इस टाइप से, बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। तो ये किसने लिखी है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने। अब दोस्तों इसी के साथ आते हैं नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के ऊपर। तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है वो है तान्या टोपे। तान्या टोपे के बारे में सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट कि इनका जो नाम है, ओरिजिनल नाम वो है रामचंद्र पांडुरंगा, जो आपको याद रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको जो याद रखना है वो है कि इन्होंने 1857 के रिवॉल्ट में पार्ट किया था और इनका निकनेम है तान्या टोपे, ठीक है। उसके अलावा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट फिर भी फॉर दी सेक ऑफ टेलिंग मैं आपको बता देता हूं कि इनका जो जन्म हुआ था वो एक महाराष्ट्रियन फैमिली में हुआ था। और जो महाराष्ट्रियन फैमिली थी उनका जो गोत्र या कह लो या जो कास्ट वगैरह कह लो वो है देशास्त्र ब्राह्मण, ठीक है। इनके फादर का नाम है पांडुरंग राव टोपे, जो कि पेशवा बाजीराव सेकंड, ये पेशवा बाजीराव दूसरी फोटो है, तो यानी जो सेकंड पेशवा बाजीराव हैं उनके कोर्ट में एक नोबल थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उनकी जो फैमिली है वो कहाँ क्या कहते हैं वो शिफ्ट कर गई, कहाँ शिफ्ट कर गई, वित्तूर चली गई थी, जहां पे उनकी जो फ्रेंड बनी वो पेशवा के एडॉप्टेड सन नाना साहेब थे, जिनका ओरिजिनल नाम है नाना धोडूपंत, जब तक नाना तब तक पूना, आपने सुना होगा। तो जो पेशवा बाजीराव, मतलब जो पेशवा बाजीराव टू है उनके एडॉप्टेड सन है, उनका नाम है नाना साहेब, तो वो तान्या टोपे के दोस्त बन गए, ठीक है। इस तरीके से तान्या टोपे के क्लोज एसोसिएटेड था राव साहेब जो नाना साहेब है और रानी लक्ष्मीबाई, ये दोनों तीनों दोस्त बन गए। नाना साहेब का फोटो ये रहा और ये रानी लक्ष्मीबाई का रहा और ये तान्या टोपे का रहा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तान्या टोपे जो है 1851 में, अब क्या हुआ आगे की कहानी कुछ इस तरीके से है। 1851 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नाना साहेब के फादर जो हैं उनको पेंशन देने से मना कर दिया। नो पेंशन, भाई कोई पेंशन नहीं दी जाएगी। तो इसकी वजह से नाना को गुस्सा आ गई ब्रिटिशर्स पे, और उसके बाद तान्या टोपे ने क्या किया, नाना साहेब जो है उनको सपोर्ट करने लगे लड़ने के लिए कि ब्रिटिशर से लड़ाई करो, और उन्होंने नाना साहेब की को सपोर्ट किया, कोऑपरेट किया, और 1857 में जब लड़ाई हुई तो पार्टिसिपेट किया, ठीक है। अब बाद में तान्या टोपे जो थे वो पहले तो भारतीय ट्रूप्स जो हैं उनको उनका दिल जीता, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी में कुछ इंडियंस भी थे तो उनका दिल जीता और उनको क्या कहते हैं नाना साहब की अथॉरिटी के अंडर ले आए। अब जो आर्मी को वो लेके आए थे वो उस आर्मी के बन गए कमांडर इन चीफ, ठीक है। तो याद रखना कानपुर की थी वो आर्मी जिसको वो लेके आए थे। अच्छा, उसके बाद जब वो कमांडर चीफ बन गए तो तान्या टोपे ने क्या किया, अब तान्या टोपे के बारे में एक बात बोली जाती है कि वो पता है बहुत ही ज्यादा अच्छे थे किसमें, गोरिल्ला वॉर में क्या होता है, छुप छुप के निकलना, मारना और फिर से छुप जाना, तो इसको बोलते हैं गोरिल्ला वॉर। तो वो गोरिल्ला वॉर में बहुत ज्यादा बहुत अच्छे स्किल्ड वॉरियर थे। अब उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने पार्टिसिपेट किया, कमांडर इन चीफ बन गए, तो उन्हें रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कानपुर को जीत लिया। ठीक है, इसके बाद उन्होंने और एक और काम किया कि जो बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड में 1857 के रिवोल्ट को फैलाया। उसके बाद जब जैसे मैंने आपको बताया था कि रानी की झांसी है जो ग्वालियर पहुंच गई थी, तो ये भी उनके साथ गए थे और उन्होंने वहां पे ग्वालियर पहुंचते ही उन्होंने क्या कहा कि नाना साहेब को पेशवा डिक्लेयर कर दिया था ग्वालियर कंटिजेंट का। लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो जब तक वहां पे अपनी जीत को कंसोलिडेट करते, मतलब एक तरीके से पक्का करते, तब तक जनरल रोज ने रानी लक्ष्मीबाई को हरा दिया और रानी लक्ष्मीबाई मर गई थी। तो फिर क्या हुआ, तान्या टोपे को वहां से भागना पड़ा। आगे चलते हैं, ये आप देख सकते हो, इसको बोलते हैं बुंदेलखंड रीजन। ठीक है, और प्लस ये ग्वालियर स्टेट जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये ग्वालियर में आ गए थे रानी लक्ष्मीबाई की मदद करने के लिए। ठीक है, अब इसी के आगे चलते हैं। तो अब जब ग्वालियर हार गए वो लोग, कौन, रानी लक्ष्मी प्लस तान्या टोपे की टीम, तो वो उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट थी। और उसके बाद उन्होंने गौरेलिया वॉरफेयर स्टार्ट किया है मालवा में, बुंदेलखंड में, राजपूताना में, खानदेश में। ठीक है, और इसी की वजह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो काफी परेशान थी, ब्रिटिश फोर्सेस परेशान थी और वो इनको परस्यू कर रही थी, उनको पकड़ना चाह रही थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, आखिरी समय में उनको किसी ने धोखा दे दिया। ठीक है, उनको बिट्रे कर दिया। उनके एक ट्रस्ट फ्रेंड जिसका नाम है मान सिंह, तो उनका दोस्त मान सिंह, उसने उनको क्या दे दिया, धोखा। धोखेबाज दोस्त ने उन्हें धोखा दे दिया। अब जो ब्रिटिश की आर्मी जिसको लीड कर रहे थे जनरल नेपियर, उन्होंने इनको कैप्चर कर लिया 1859 में और उसके बाद उन्होंने क्या कहते हैं, उनको एग्जीक्यूट करवा दिया 1859 शिवपुरी में। ठीक है, तो कहां पे मारा था, शिवपुरी में मारा था, याद रखना। चलिए अब आगे चल लेते हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिनका नाम है राव बख्तावर सिंह। राव बख्तावर सिंह के बारे में सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये थे किंग, राजा थे, कहां के, अमझेरा के। ठीक है, ये राजा हैं अमझेरा के जिन्होंने 1857 में पार्ट लिया था, रिवोल्ट जो हुआ था उसमें पार्ट किया था। इनके जो सपोर्टर थे उन्होंने इनको धोखा दे दिया था, धोखे इनके संग भी धोखा हो गया था, तो इन्होंने बोला भाई धोखा हो गया हमारे साथ भी, और इनको ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट कर लिया था। फिर इनके खिलाफ क्या हुआ, इनको पहले महू ले गए, महू ले जाने के बाद इनके खिलाफ केस चला और केस चलने के बाद केस हार गए और फिर इनको डेथ पेनल्टी दी गई इंदौर में और ये 1858 में मर गए। तो इनकी इतनी छोटी सी कहानी है। राव बख्तावर सिंह जो है अमझेरा के, वो जब ये मर गए थे तो जो इनका स्टेट था वो किसको दे दिया, सिंधियास को। आपको मैं बता दूं, सिंधियास जो थे वो सब्सिडरी एलाय थे, किनके, सब्सिडियरी एलाय थे ब्रिटिशर्स के, तो इसीलिए ब्रिटिशर्स इनको परेशान नहीं कर रहे थे। जो रूलर्स उनके सब्सिडरी एलाय नहीं थे उन्हीं को परेशान कर रहे थे। तो और एज अ गिफ्ट के तौर पे उन्होंने अमझेरा किसको दे दिया, सिंधियास को। अमझेरा जो स्टेट है उसको स्टैब्लिश किसने किया था, ये शायद आ सकता है प्रीलिम्स में, तो याद रखना राव राम सिंह कौन है, जोधपुर के राजा के बेटे हैं। उन्होंने अमझेरा स्टेट को स्टेब्लिश किया और फिर बाद में जो राव बख्तावर सिंह है वो रूल कर रहे थे। ठीक है, राव बख्तावर सिंह के बारे में बोला जाता है कि ये पेंटिंग और हॉर्स राइडिंग के काफी इंटरेस्ट लेते थे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो, ये मैंने पेंटिंग ली है, तो आप याद रखना ये पेंटिंग में इंटरेस्ट लेते थे प्लस हॉर्स राइडिंग में इंटरेस्ट लेते थे। अब आगे चलते हैं। अब आती है एक नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिनका नाम है सादत खान। सादत खान के बारे में ऐसा है कि देखिए, ये जो होलकर डायनेस्टी थी ना उसके एक सिपाही थे। ठीक है, होलकर आर्मी में इनके सिपाही थे जिन्होंने 1857 में पार्टिसिपेट किया था और इन्होंने इंदौर और महू में रिवोल्ट किया था। ठीक है, इंदौर और महू में रिवोल्ट किया था, तो इसमें याद रखना ये तो हो गया एक इंदौर और दूसरा आपका महू, वहां पर उन्होंने लड़ाई की थी। ठीक है, प्लस जब बस इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात ये बोली जाती है, जब ये रिवोल्ट चल रहा था तो इनको बंदूकें किसने दी थी, होलकर महाराजा ने दी थी। और क्यों दी थी, सो दैट जो उनका राज है वो बचा रहे ब्रिटिशर से। और ये इसलिए बहुत ज्यादा क्रेडिबल हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने सबसे पहली गोली चलाई थी और जो गोली चलाई थी जिस कैनन से चलाई थी उसका नाम है फतेह मंसूर। ठीक है, जिसको आज भी तुम इंदौर म्यूजियम में, जिसको आप इंदौर म्यूजियम में देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा इतना और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है सादत खान जी के बारे में। मल्हार राव होलकर कौन है, जिन्होंने होलकर डायनेस्टी को फाउंड किया था, याद रखना। सादत खान ने जो गोली चलाई थी उसने किसको हिट किया था, कर्नल डुरंड। ये आप देख सकते हो, डुरंड कप से याद रखना कि इन्होंने गोली चलाई और डुरंड कप फट गया। ठीक है, और उसके बाद जो जब डुरंड मर गए तो फिर क्या आए, नए कोई एक वो आए, क्या कहते हैं, ब्रिटिश के आर्मी के जनरल आए जिनका नाम था रॉबर्ट हैमिल्टन। तो याद रखना जब ये डुरंड को इन्होंने मार दिया, यानी डुरंड कप को जीत लिया, तो ये कहाँ गए, हैमिल्टन होटल में गए। ठीक है, उसके बाद जो है इन्होंने जो वहां पे अपराइजिंग थी उसको भाई लेट कर रहे थे, लेकिन हैमिल्टन ने आके इनको हरा दिया। तो सादत खान जो है भले ही हार गए थे लेकिन वो पकड़े नहीं गए। कब ये पकड़े गए? 17 साल बाद पकड़े गए 1874 में। उसके बाद इनको एग्जीक्यूट कर दिया और जिस पेड़ से इनको लटकाया गया था वो आज भी रेसिडेंसी में बना हुआ है और वो एक तरीके से मेमोरियल ग्राउंड है। तो आप याद रखना कि जब ये हैमिल्टन से हार गए तो इनको बनियन ट्री से लटका दिया गया। अब आते हैं नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिनका नाम है तांत्या, तांत्या भील या तो तांत्या बोल लीजिए, तांत्या बोल लीजिए। तो तांत्या भील जो हैं वो एक और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं जिनको तांत्या मामा के नाम से भी काफी फेमस है। क्या है? तांत्या मामा। तांत्या मामा, अब जैसे नाम के पीछे भील लगा हुआ है तो ये भील कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ये एक डकैत थे, ठीक है, और डकैत किस टाइप के? रॉबिनहुड टाइप के। तो ये यहाँ के रॉबिनहुड पांडे थे, मतलब ये अमीरों से लूटते थे और गरीबों को बांटते थे। इस केस में अमीर है हमारे ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स से लूटते थे और गरीबों को बांटते थे, ठीक है। बाकी ब्रिटिश के जो अकाउंट है, ब्रिटिश की किताबें हैं वो तो इनको एक तरीके से नेगेटिव यानी बुरा इंसान बताती हैं, लेकिन इंडियन इनको एक हीरोइक फिगर मानते हैं और इंडियन रॉबिन हुड के नाम से इनको मशहूर हैं। आगे चलते हैं तांत्या भील के बारे में। इनका जो जन्म हुआ था वो निमाड़ रीजन में हुआ था। निमाड़ रीजन आपको पता है एमपी के यहाँ पे नीचे वाले पोर्शन में पड़ता है, सदर्न वेस्टर्न पोर्शन में पड़ता है, ठीक है। और ये भील ट्राइब से बिलोंग करते थे। इन्होंने क्या कहते हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं उनके खिलाफ 1857 के रिवोल्ट में पार्टिसिपेट भी किया था। स्टार्ट किया इन्होंने करियर एज अ डकैत, बाद में ये रेवोल्यूशनरी बन गए थे जो कि इंडिया का इंडिपेंडेंस चाहते थे। इन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की ट्रेजरीज थी उनको लूटते थे और गरीबों में बांटते थे। इसीलिए इनको मसीहा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, मसीहा के नाम से जाना जाता है। प्लस इनको लोग प्यार से मामा जी कहते हैं। बस ये इंपॉर्टेंट है इनके बारे में। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये डकैत थे एक, प्लस उसके अलावा ये मसीहा के तौर पे मशहूर हुए। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट कि इनको प्यार से लोग मामा कहते थे। अब आगे चलते हैं तांत्या भील के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बात कि वैसे तो इंडिया को ये फ्री बनाना चाहते थे, जो इनका एम था, और फ्री इंडिया को ये सोशलिस्ट बनाना चाहते थे। सोशलिज्म का मतलब क्या होता है वैसे तो मैं आपको इन डिटेल नहीं बताऊंगा, लेकिन सोशलिज्म का मतलब होता है जहां पे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है रिसोर्सेज को और वही सारा प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और रेगुलेशन का काम करती है, उसको बोलते हैं सोशलिज्म। इसी का उल्टा है कैपिटलिज्म, ठीक है। और जो सोशलिज्म का खतरनाक फॉर्म होता है उसको बोलते हैं कम्युनिज्म, जो कि रशिया वगैरह में था, है ना, चाइना में भी है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं। फिर उसके बाद जब ये ये इतना सब कुछ करेंगे तो मोस्ट वांटेड थे, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, इनके संग भी धोखा हो गया। इनका बहन का जो पति था जिसका नाम गणपत है, उसने इनको धोखा दे दिया था। उसने इनको धोखा दे दिया था और क्या कहते हैं, धोखा दे दिया था। उसके बाद क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इनको पकड़ लिया और इनको जबलपुर जेल में जमा करवा दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद इनको डेथ की सजा मिली, मतलब इनको फांसी की सजा मिली 1889 में। सो दिस वाज दिस अबाउट द तांत्या भील। अब आगे चलते हैं। तो इसी के साथ हमारे जो ये तांत्या भील थे वो भी समाप्त होते हैं। अब दोस्तों हम कुछ बात कर लेते हैं जो प्रीलिम्स के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि जो महेश्वर को कैपिटल बनाया था होलकर फैमिली में, वो किसने बनाया था? रानी अहिल्याबाई ने, ठीक है। प्लस इन्होंने अहिल्या फोर्ट भी बनवाया है, ठीक है। फिर प्लस जो महेश्वर जगह है वो किस लिए फेमस है? वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है। उसके अलावा जो लक्ष्मीबाई हैं वो मराठा क्लैन को बिलोंग करती है, ठीक है, मतलब मराठा रूल्ड जो झांसी स्टेट है उसको बिलोंग करती थी। प्लस इन्होंने 1857 के जो रिवोल्ट हुआ था उसमें भी पार्टिसिपेट किया है। प्लस उसके साथ इनका जो और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि इनका जो नाम है, ओरिजिनल नाम, वो है मणिकर्णिका और निकनेम है मनु। उसके अलावा तांत्या टोपे से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इनका जो ओरिजिनल नाम है वो है रामचंद्र पांडुरंगा टोपे। प्लस ये भी 1857 के रिवोल्ट के बहुत इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट हैं। इनका निकनेम है तान्या टोपे। उसके अलावा हमने बख्तावर सिंह के बारे में बात की थी, तो जो बख्तावर सिंह थे वो महाराजा कहाँ के? अमझेरा के, ठीक है। बस इतना सा याद रखना, अमझेरा के वो किंग थे। उसके अलावा हमने बात की सादत खान की। सादत खान कौन है? होलकर आर्मी मैन थे, कोई राजा महाराजा नहीं थे, एक सिपाही थे होलकर जो डायनेस्टी है उसमें। उसके अलावा इन्होंने 1857 के रिवोल्ट में भी पार्टिसिपेट किया था। जो हमने तांत्या भील या तांत्या मामा के बारे में बात की, वो डकैत थे एक, और वो इंडियन रॉबिनहुड के नाम से फेमस हैं। उनका जन्म हुआ था निमाड़ में और ये भील ट्राइब से बिलोंग करते थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो प्रीलिम्स में आपके प्रोबेबल क्वेश्चन के तौर पे पूछे जा सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों ये लेक्चर समाप्त होता है। जो भी मैंने आपको पढ़ाया, सही पढ़ाया, गलत पढ़ाया, वो जो भी है मैंने इन बुक से रेफर करके लिया है। आप चाहे तो इन बुक को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई क्वेरी आती है इस लेक्चर या फिर आपकी प्रिपरेशन के दौरान तो आप मुझे मेल करके पूछ सकते हैं 808019990@gmail.com पे दोस्तों। और प्लस आप इसको अगर लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, प्लस अगर आप मेरे वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए दोस्तों। और आप इस वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिए, क्योंकि जब आप इनको शेयर करते हो और लोग इनको देखते हैं तो मुझे एक तरीके से मोटिवेशन मिलती है कि मैं किसी की मदद कर रहा हूं। ठीक है, तो प्लीज ये बहुत छोटा सा काम है, इट इज स्मॉल फेवर जो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मुझे आपके साथ शेयर करना है दोस्तों वो ये कि क्या कहते हैं, जिन लोगों को इन वीडियोस की पीडीएफ चाहिए वो मुझे मेल कर दीजिए, मैं उनको मेल कर दूंगा। ठीक है, आप लोग ये बार बार मुझसे पूछते हैं तो इसलिए मैंने सोचा आपको एक बार में बता दूं। चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन अलविदा।